परमानेंट टीचिंग सेंटर। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ये मेरा चौथा लेक्चर है। पीछे के लेक्चर में हम लोग दो मेथड पढ़ चुके थे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए, ये कंपैरिजन मेथड था और ये सम सिचुएशन मेथड था। आज हम लोग सबसे आसान जो मेथड है वो इलिमिनेशन मेथड है, और बच्चों के लिए सबसे फेवरेट मेथड होता है इलिमिनेशन। इसमें एक वर्ड है इलिमिनेशन। इलिमिनेशन में जो मूल वर्ड है, जो मेन वर्ड है, वो है हमारा इलिमिनेट करना, यानी कि उसको निकाल देना। थोड़ा सा इसको हम अभी डिलीट मारेंगे और थोड़ा देखते हैं जरा इसको क्या करते हैं। देखिए, इलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसका मेन जो चीज होता है, हमारे पास या तो y का कोएफिशिएंट यानी कि y वाले टर्म को या फिर x वाले टर्म को हमको रिमूव कर देना होता है। रिमूव कैसे करेंगे, तो रिमूव कैसे करने के लिए हम लोग इक्वेशन वन में या और इक्वेशन टू में या फिर दोनों में किसी ऐसे नंबर या कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो y का पूरा टर्म बराबर हो जाए नहीं तो x का टर्म बराबर हो जाए, बाद में इसको हम लोग जोड़ के या इसको घटा के यानी कि एड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके इसमें y वाले टर्म को या फिर x वाले टर्म को रिमूव कर लेते हैं। इसको एक एग्जांपल से जैसे देखते हैं, हमारे मन में हम लोग y वाले टर्म को रिमूव करें, अगर इक्वेशन वन में अगर हम लोग फोर से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन टू में अगर हम लोग थ्री से मल्टीप्लाई कर दें, तो थोड़ा सोच के देखिए, y वाला टर्म 4 × 3 = 12 हो जाएगा और नीचे वाले यानी कि सेकंड इक्वेशन में y वाला टर्म 4 × 3 यानी कि 12 हो जाएगा। आइए थोड़ा करके देखते हैं हम लोग, तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन वन बाय 4 एंड इक्वेशन टू बाय 3 एंड देन। अब ये दोनों के बारे में सोचना है, अगर साइन एक दूसरे का अपोजिट हो, चूंकि y वाले टर्म को बराबर कर रहे हैं, अपोजिट हो तो सिंपल हम लोग एड करेंगे, अगर सेम है तो सेपरेट करेंगे एंड देन एडिंग जोड़ते हैं हम लोग। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेरे पास है 16x प्लस 12y दिस इक्वल टू 100। आप इसको देख पा रहे होंगे, 4 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 है, 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 है, 4 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 है। सिमिलरली ये 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 में मल्टीप्लाई करना है, अगर 3 में करेंगे इक्वेशन 2 में करना है तो इसको हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास आएगा 15x माइनस 12y एंड दिस इक्वल टू 24। चलिए अब इसको हम लोग एड करते हैं, एड करने के लिए किसी साइन को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, 16x और 15x और ये मेरे पास है 31x दिस इक्वल टू 124। 31 से 24 124 कट गया, 4 टाइम्स में, ये मेरा 4 टाइम्स में कट गया। तो इस तरीके से x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 4। अब इस x का वैल्यू उठाएंगे किसी दोनों इक्वेशन में, दोनों में से आपको जिसमें इच्छा हो, जो आपको आसान लगे उसमें उठा के डाल देंगे। तो हम लोग लिखते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, कहां डालेंगे, इन इक्वेशन वन में, चलिए डाल लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं 4x प्लस 3y दिस इक्वल टू 25। x की जगह पे हमें क्या भरना है, आप लोग पहले से देख पा रहे हैं x की जगह पे मेरे पास 4 है, तो 4 × 4 प्लस 3y दिस इक्वल टू 25। और इस तरीके से हम लोग देखेंगे 3y दिस इक्वल टू 25 पहले से है, ये जो है प्लस 16 राइट साइड में जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा, तो देन वी हैव 3y दिस इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 3। 3 से 3 9 कट गया, ये 3 टाइम्स में। इस तरीके से आपका जो आंसर आया, हेंस x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का ये हमारा आंसर है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसी सवाल को अब एक नया मेथड यानी कि ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा लंबा है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड। कुछ हमारे सवाल और होंगे जो मेंसुरेशन से रिलेटेड होंगे, कुछ एरिया निकालने को होगा, कुछ ट्रेंगल का एरिया होगा, फिर या फिर ट्रेपिजियम का एरिया होगा, या फिर ऐसा कुछ सवाल आ जाएगा जो कि आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड होगा। तो अभी हम लोग सिर्फ सिंपल देखते हैं कि एक सवाल को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आते हैं, अगर हम लोग इसके बारे में 9 क्लास में ही पढ़ चुके थे, तो यहाँ पे हम लोग पहले ले लेते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम लोग लेंगे तो ये मेरे पास आएगा 4x
प्लस थ्री वाई दिस इक्वल टू 25। अब हम लोग क्या करते हैं, 3y आप बताएं जरा, 3y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस 4x। और इसी तरीके से y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 25 माइनस 4x बाई 3। एक चीज तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हो सकता है कि आप पीछे के क्लास में इस तरीके से पढ़े हों, एक एक बात ध्यान रखने की है कि x का एक ऐसा वैल्यू चुनते हैं कि बढ़िया से कट उठ के आ जाए, तो फिर ऐसा है तो ऐसा बनाते बनाते आपको एक ही चीज को सॉल्व करने में आधे घंटे गुजर जाएंगे, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। आप एक लाइन पर जो नंबर लाइन आप कर सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हैं, आप जो मर्जी हो वो भरेंगे उससे बनेगा। थोड़ा सा ख्याल ये रखना पड़ता है कि हमको वैल्यू वो चुनना है जो कम से कम मेरे ग्राफ पेपर पे अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाए। तो चलिए हम लोग लेते हैं एक्स और वाई, आप थोड़ा ध्यान दे पाएंगे तो ठीक से। एक्स के जगह पर हमारी मर्जी हमने जीरो रखा, तो 4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो गया 0, 25 में से अगर 0 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 25, और ये जो मेरा फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा वो फाइनली, ये मेरा 0 है ध्यान में है, 25 माइनस 0 दैट मीन्स 25, फाइनली मेरे पास जो वैल्यू बन रहा है ये 25 बाई 3 है। 25 बाई 3 यानी कि 25 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 8.33। कोई बात नहीं है, इसको हम डेसिमल में रखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्स के जगह पे चलो हमारी मर्जी हमने रख दिया 4, तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16, 16 25 में से 16 जाएगा तो बनेगा 9, 9 बाई 3 अगर हम लोग करेंगे तो मेरे पास आएगा 3। एक्स के पे चलो हम अपने हिसाब से रख लेते हैं 6, तो चलो 6 रखते हैं, तो एक्स के जगह पे अगर आप 6 रखेंगे तो 6 × 4 24, 25 माइनस 24 आएगा 1, 1 बाई 3 करेंगे तो मेरे पास आएगा 0.33। इस पर टेंशन नहीं लेने का कि ये डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे। अब हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग, अब इक्वेशन नंबर 2 को उठाते हैं। दो नंबर इक्वेशन में मेरे पास है 5x माइनस 4y दिस इक्वल टू 8। आप इसको आराम से माइनस 4y दिस इक्वल टू 8 माइनस 5x लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 4y दिस इक्वल टू 5x माइनस 8, और इसी तरीके से अगर आपको बोला जाए y का वैल्यू बताइए तो आप लिख सकते हैं 5x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4। अब इसी तरीके से हम लोग टेबल बना पाएंगे तो इसके लिए भी कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं। जैसे देखिए, आप ध्यान दे रहे होंगे, हमने 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट के लिए जगह बना रखी है, आप 2 पर भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं कि क्यों हमने ऐसा बना रखा, इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं। सपोज करो अगर हमने ग्राफ बनाया, मेरे पास 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट में हमने एक का कोऑर्डिनेट सही लिया, दूसरे का गलत ले लिया, फिर भी मेरा स्ट्रेट लाइन दे पाएगा। लेकिन अगर आप 3 पॉइंट लेते हैं और एक पॉइंट कोई गलत है, इस तीनों में से कोई भी गलत है, तो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आ पाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ पाएगा तो फिर हम लोग ये समझ लेंगे हमने कहीं ना कहीं गलती कर रखा है। लेकिन 2 पॉइंट्स में दोनों सही हो, दोनों गलत हो, एक गलत हो, फिर भी आपका लाइन सीधा आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा तो आपको ये कंफ्यूज करा देगा कि हम लोग गलत है या सही है। इसीलिए हम लोग कितना कम से कम तो 3 पॉइंट्स हमको लेने होते हैं। एक्स पर हमने मर्जी से 0 रखा, 5 में 0 से गुणा किया 0, 0 माइनस 8 दैट मीन्स माइनस 8, माइनस 8 बाई 4 दैट मीन्स माइनस 2। एक्स पर हमने रख दिया 4, 4 में 5 से मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास आ गया 20, 20 माइनस 8 12, 12 बाई 4 दैट मीन्स ये हो मेरा 3। एक्स पर हमने रख दिया 6, 6 अगर रखते हैं तो 6 में 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30, 30 में से 8 जाएगा मेरे पास 22, 22 बाई 4, 22 बाई 4 दैट मीन्स 5.5। एक बार देख लेंगे जरा 5.5 में क्या 22 आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसमें से कोई भी लाइन अगर गलत हुआ, कोई भी पॉइंट अगर गलत हुआ, तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन नहीं आ पाएगा। इस ग्राफ लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगली बार को थोड़ा ध्यान देंगे, अगली बार की क्लास में हम लोग इस पर और डिटेल करेंगे ग्राफिकल मेथड को। एक कार्टेशियन प्लेन, जिसके बारे में ऑलरेडी 9 क्लास में आप पढ़ चुके हैं, ये ग्राफ की एक फेस होती है जिसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन कह सकते हैं। एक कार्टेशियन प्लेन में ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस एक्स और वाई एक्सिस को सिर्फ एक्सिस लाइन को खींचने के 9 तरीके होते हैं। हम लोग तय करेंगे कि ये 9 किस तरीके से करें कि मेरा ग्राफ पूरा का पूरा
इस तरह का सॉल्व होगा। कभी कभी क्या होगा कि आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप लोग नए नए बनाते हैं, तो फिर होता है क्या, कभी ग्राफ 9 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पन्ने से बाहर चला जाएगा, कभी ऐसा होगा कि उस जगह पे पहुंचेगा जहां पे आप एज्यूम नहीं कर सकते हैं और डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों ग्राफ लाइन का कहां जा रहा है। तो चलिए यहां पे एक बात हम लोग चेक कर पाएंगे, एक्स का सारे वैल्यू मेरे पॉजिटिव है, यानी कि वाई एक्सिस से इधर हमको ज्यादा जगह चाहिए। और यहाँ पे क्या कर रहा है, वाई के सारे वैल्यू पॉजिटिव है, एक छोटा सा नेगेटिव है, तो ऊपर में मुझे ज्यादा जगह और नीचे में हमको कम जगह में काम चल जाएगा। तो पूरी तरीके से ये मेरा अगर ओरिजिन है तो यहाँ पे हम लोग काम चला लेंगे इसका करके। तो ये मेरा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये वाई, ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ पे रखने के लिए हमने एक्स डैश लिया और यहाँ पे वाई डैश लिया। चलो एक्स में मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 6 है, हम लोग ले लेते हैं ये 1। आप कोशिश करेंगे इक्वल डिस्टेंस पे लेने का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। y एक्सिस पर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं -1। y एक्सिस पर मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है 8.33 है, 8.33 दैट मीन्स कम से कम 9 तक हमको जाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बराबर डिस्टेंस ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये मेरा 9। नीचे में ले लेते हैं -1, -2, -3, ये सारे रिप्रेजेंटेशन इतने दूर में हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं x का 0, y का 8.33, x का 0, y का 8.5 है और इस जगह पे आएगा 8.33 और इसको घेर दिया, इसका कोऑर्डिनेट हमने लिखा 0 और 8.33। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए, 9 क्लास वाला जो चीज है उस पर थोड़ा नजर देखना पड़ेगा कि 10 छोटे छोटे स्मॉल डिविजन्स के तीसरा पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर आप पेंसिल का नोक रखेंगे और ये आपको 8.33 पहुंचा देगा। 4 और 3, x का 4 और y का ये 3, ये मेरा पॉइंट है, देखिए 3 के सामने और ये 4 के सामने, कोऑर्डिनेट हमने रखा 4, 3। 6, 0.33, 6, 0.33, 6 का 0.33, ये मेरा कोऑर्डिनेट है। और इस तरीके से जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। हम लोग इस स्ट्रेट लाइन को इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, इसलिए दोनों साइड में एरो मार्क देंगे। अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट भी करेंगे कि किस इक्वेशन का ये मेरा स्ट्रेट लाइन था, ये था 4x + 3y = 25। तो ये है मेरा 4x + 3y = 25। आगे हम लोग देखते हैं इस इक्वेशन के लिए, x का 0, y का -2, x का 0, y का -2, 0 और -2, ये मेरा कोऑर्डिनेट है। 4 का 3, x के सामने 4, y का 3, ऑलरेडी मेरे पास मिल चुका है। 6 का 5.5, 6 के सामने अगर हम लोग जाएंगे तो ये मेरा 5.5 है, ठीक है। तो अब ये 6 है और ये 5.5 है, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ये चीज को, अगर हम लोग सीधे लेके चले जाएं तो ये एक स्ट्रेट लाइन शो किया। अगर ये 6 पॉइंट हमने जो लिए थे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस 6 पॉइंट्स में एक भी अगर गलत होता तो ये दोनों में से कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाता, कोई ना कोई लाइन टेढ़ी हो जाती। अगर दोनों स्ट्रेट लाइन है, आप कंफर्म रहें कि दोनों के दोनों सही है, इस चीज को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ लाइंस। अब हम लोग देखते हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये एक्स एक्सिस के सामने किस जगह पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई के सामने किस जगह पर है। तो ये एक्स के सामने 4 पर है, वाई के सामने 3 पर है, तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही मेरा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस इस तरीके से एक्स का वैल्यू मेरे पास 4 है और वाई का वैल्यू जो है वो मेरा 3 है और ये मेरा आंसर है। ये मेरा वीडियो लेक्चर 4 था, अगले लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, उसमें हम लोग देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस हमारे 5वें लेक्चर में जाएगा और लिनक्स ऑन 2 वेरिएबल के ये सीरीज में उस 5वें लेक्चर में हम लोग देख पाएंगे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम लोग कैसे इस सवाल को सॉल्व कर पाते हैं।